दोस्तों स्वागत है मेरी एक नए वीडियो में। मैं हूँ राहुल और ये है मेरी वाइफ शिवानी, ये है मेरे प्यार से नन्ना सा बाबू। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो ऐसा टॉपिक है कि जिसके बारे में हर माँ बाप इस बात से अवगत हैं कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और इस चीज़ को जो है दरकिनार करते हुए हर माँ बाप इस चीज़ को फेस करते हुए भी इस चीज़ पे ना तो बोलना चाह रहे हैं अपने बच्चों से, ना अपने बच्चों को समझाना चाह रहे हैं, मतलब कुछ भी नहीं उनसे ऐसा कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि जिससे वो जो ये आदत है उनकी छूट जाए, जो कि आदत है मोबाइल की लत। मोबाइल की लत इतनी बुरी बन गई है। मैं अभी परसों रोड पर चल रहा था, एक छोटी सी लड़की थी 12 साल की होगी, 12-13-14 साल की, वो आगे नहीं देख रही, रोड पे चली, रोड पे देख नहीं दिए, बस मोबाइल चला रही है। हेलो हाय, मतलब इतना ज़्यादा क्रेज है, मतलब गर्लफ्रेंड, ये लड़का लड़की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये सब जो खेल जो चल रहा है ना, छोटे छोटे बच्चों को जो प्यार मोहब्बत का जो सिलसिला चल रहा है, ये दोस्तों बहुत ही गलत है। ये जो प्यार मोहब्बत के नाम पे छोटे छोटे बच्चों को ये जो गुमराह कर रहे हैं, और ये गुमराह करने वाले कौन हैं, ये एक तो सोशल साइट पे जो उल्टे सीधे तो चीज़ें चल रही वो है, दूसरा हम खुद हैं, दूसरा हमारा स्कूल का माहौल है, कोचिंग का माहौल है, ऐसे आजकल बच्चों को वातावरण ही मिल रहा है कि बच्चे को वही चीज़ दिमाग में घुल रही है, और जो चीज़ वो देख रहे हैं सोच रहे हैं कि हम भी वो करें। एक दोस्तों छोटी छोटी 12 साल की लड़की को इतना बीमारी, मान लो उसका एक्सीडेंट हो जाए, भिड़ जाए। कई बार आपने देखा होगा कि ये जो हेडफोन की लीड होती है, ये हेडफोन की लीड जो है ऐसे कान में लोग लगा के और रोड पे चल रहे हैं, ट्रेन की पटरी पे चल रहे हैं, कई बार लोग के एक्सीडेंट हो गए हैं, लेकिन फिर भी इस चीज़ से लोग नहीं समझते हैं कि कितना ज़्यादा खतरनाक है हमारे समाज के लिए। ये हेडफोन हो गया और ये ब्लूटूथ हो गया डिवाइस, ही बहुत ज़्यादा नुकसान करता है दोस्तों। और मैं एक बार बता दूँ कि इन सब चीज़ों से ना कि हम लोग के दिमाग पर गलत असर पड़ रहा है, हमारे कानों की सुनने की शक्ति भी कम हो रही है। दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल के माँ बाप कोई बात होती है तो बहुत ही ज़्यादा झिंझोरा पीटते हैं, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि जब उनके हाथों में चीज़ रहती है वो हाथ से अपने उसको निकलने देते हैं अपनी आँखों के सामने, और कुछ नहीं बोलते हैं, है कि नहीं, हैं कुछ भी नहीं बोलते हैं। माँ बाप देख रहे हैं, माँ बाप की बात कर रही है, किससे बात कर रही हो, किससे, भाई से बात कर रही हो, वहाँ भाई है, रात को 12-1 बजे बात कर रही है, माँ देख रही है, बाप देख रहा है, भाई देख रहा है, नहीं आता, लेकिन नहीं चुप, बोलो नहीं कर, हाँ बेटा बात करो। जो सही माँ बाप रहेंगे वो ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि बात करो, ऐसे सब करो। तो दोस्तों ये सब बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा माहौल मिल रहा है, ऐसे माँ बाप की परवरिश में बच्चे पल बढ़ रहे हैं। कैसा आजकल का हो गया है मुझे तो समझ ही नहीं आता, कैसे ट्रेडिशन, कैसी परंपरा, कैसी भारतीय संस्कृति सब कुछ ताक पे रख दिया गया है और ये सब चीज़ें की जा रही हैं। तो इसके लिए सीधे सीधे मैं पेरेंट्स को जिम्मेदार ठहराऊँगा, जो कि अपने बच्चे का ना कि उनका भविष्य खराब कर रहे हैं, और बल्कि साथ साथ उसके दिमाग को भी एक गलत जो है दलदल में धकेल रहे हैं। मोबाइल की लत बहुत ही ज़्यादा ख़राब लत है दोस्तों, जो एक बार लग जाती है वो शराब की तरह है, शराब जिसको एक बार हो गया और शराब पिएगा। वैसे ही मोबाइल की लत है दोस्तों, एक बार लग गई, कहते नहीं आदत डाल लो डल जाती है, तो आदत जो पड़ गई फिर वो आदत वो चलती ही रहती है, उसमें कोई सुधार नहीं हो पाता, वो कभी सही नहीं हो पाती, और ये सिलसिला चलता रहता है दोस्तों। इसीलिए हमें अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखना है ताकि बच्चे अच्छे से एक अच्छा जीवन जी सके और किसी गलत संगत में ना पड़े, किसी गलत विचार को ना धारण करें, अच्छे विचार रखें, शुद्ध विचार रखें। दोस्तों मोबाइल गलत नहीं है, सोशल नेटवर्किंग साइट गलत नहीं है, लेकिन जो इन साइटों पर गंदा गंदा जो दिखाया जा रहा है ना वो गलत है, और वही आपके बच्चे जो हैं धारण कर रहे हैं, अपने दिमाग में बैठा रहे हैं, कर रहे हैं। इसीलिए मैं ये बात आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अपने बच्चों को सही शिक्षा दीजिए, सही मार्गदर्शन कीजिए अपने बच्चों का। और दोस्तों मैं इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप भी कुछ बोलना चाहोगी बोलो। बेटी को खाना बना मोबाइल दिमाग गंदा होता है। बेटियों से थोड़ा मोबाइल जो है दूर रखिए, बाहर जाने के समय सुरक्षा प्रदान करता है। बापू बहू चल खाना बनाओ, ठीक है काम को नहीं बताओ। दोस्तों ये जो है बेटियों की सुरक्षा तो करता है मोबाइल, कहीं भी अनजान जगह पे है तो मोबाइल बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, लेकिन जितने इसके फायदे हैं उतने उसके घाटे भी हैं दोस्तों। हर चीज़ का कोई ना कोई ड्रॉबैक रहता है,
दोस्तों कहा जाता है ना कि ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ का इस्तेमाल नुकसानदायक ही रहता है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। कहा जाता है खोया भी आदमी रोज़ खाएगा तो पेट ख़राब हो जाएगा, उसी से कि नहीं होगा है ना दिमाग। आप जो है दिमाग को शुद्ध रखने के लिए अच्छी संगति सत्संग में जाइए, अच्छे बड़े बूढ़ों के साथ बैठिए, उनसे बातें कीजिए, उनसे जाके क्या बाबू। तो दोस्तों मेरा यही मकसद रहता है कि मोबाइल के प्रहार से बचिए, मोबाइल में जो गंदी गंदी चीज़ें दिखाई जा रही हैं उसको मत सोचिए, समझिए, मत देखिए, मत देखो गंदा, अच्छे चीज़ों को देखो। अच्छे अगर आप अच्छा एक जीवन चाहते हैं, हमेशा खुश रहना चाहते हैं, तो आप मोबाइल से थोड़ा दूरी बना के रखिए, खास तौर पे छोटे बच्चों के लिए जो 12 से 13 साल के बच्चे हैं। एक बार ये कीड़ा चला गया तो ज़िंदगी भर नहीं निकलेगा। मेरी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय बाय।